Welcome back to the show, UK Immigration Law with Tariq. I'll go back to the calls. Hello? Hello? Hello. Ji, assalamu alaikum. हाँ जी वालेकुम सलाम जी भाई साहब मैंने पूछना था कि मैंने ना 7 ईयर के बेस में अपना केस लगाया था 2014 में तो आफ्टर 6 मंथ उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था और उसके बाद फिर हमने रिकंसीडर किया तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और मेरी बेटी इस साल 10 ईयर की हो जाएगी हाँ जी तो फिर अभी तक अभी हमें क्या करना चाहिए और 2016 सितंबर में मेरा बेबी बॉय हुआ है तो अभी तक हमने उसका नाम नहीं दिया इमिग्रेशन में जी और आपकी बेटी जो 10 साल की हो जाएगी वो इधर ही पैदा हुई थी हाँ जी इधर ही बॉर्न हुई थी 2007 में ऑलराइट मैम और कौन से मंथ में उनके 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे नवंबर में थैंक यू मैम मैं आपको जवाब दे देता हूँ देखें पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर लोगों को बता दूँ कि जो 7 ईयर के ऊपर अप्लाई करते हैं क्यों उनके इतने जल्दी रिफ्यूज़ल हो जाते हैं वो ये कि लॉ को पूरी तरह से लोग समझ नहीं पाते लॉ की 2 कंडीशंस हैं पहली कंडीशन है कि आपके बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाएं और सेकंड कंडीशन है कि व्हाई डू यू थिंक इट विल बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग जब अप्लाई करते हैं ये भूल जाते हैं कि उनको सेकंड पार्ट को भी फुलफ़िल करना है और वो बस बच्चे को ये प्रूव करने लगते हैं कि जी 7 साल पूरे हो गए हैं और अप्लाई कर देते हैं स्कूल के कागजात लगा के टीचर के लेटर लगा के लेकिन अगर आप गौर से देखें उनमें से कोई भी लेटर ये बात नहीं बोलता कि वाई वुड इट बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम कि क्यों आप समझते हैं कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो गया कि अगर यहाँ से उसको उठा के वापस भेजा गया होम कंट्री विल बी वेरी अनरीजनेबल वो आप एड्रेस नहीं करते और इस वजह से रिफ्यूज़ होता है तो कोई बात नहीं आपने रिकंसिडरेशन की फिर आपने बोला मुझे कि आपकी बेटी को अभी 10 साल हो जाएंगे ऑफ कोर्स जैसे ही आपकी बेटी को 10 साल हो नवंबर में और आप दुआ ये करें कि नवंबर तक वो डिसीजन ना दें आपके केस का क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है अभी डिसीजन की आपको क्योंकि जैसे ही आपकी बेटी 10 ईयर्स की होती है आप इमीजिएटली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक कानून है डिस्क्रेशन है कि जो बच्चे इस मुल्क में पैदा होते हैं और वो एज ऑफ 10 तक पहुंच जाएं वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए ब्रिटिश सिटीज़न और अभी तक देखने में आया है कि वो अपनी डिस्क्रेशन इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट देते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अगर आप अप्लाई करें तो वो बच्चों को ब्रिटिश नेशनैलिटी दे देते हैं और अगर हमदुल्ला आपकी बेटी को ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल गई तो आपके केस पे और भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और जहाँ तक आपके करंट बेटे की बात है कॉन्ग्रेचुलेशन जो सितंबर 2016 में पैदा हुए हैं प्लीज़ उनकी डिटेल्स भी होम ऑफिस को अपडेट कर दें बिकॉज आपको कोई घबराने की बात नहीं आपकी वैलिड रिकंसिडरेशन होम ऑफिस के पास पड़ी हुई है आपका एक बच्चा ड्यू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश सिटीज़न के लिए भी तो आपको तो कुछ डरने की बात नहीं आप बिल्कुल अपने सारे सर्कमस्टांसिस अप टू डेट होम ऑफिस को बता के रखें थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अगले कॉलर की तरफ जाते हैं हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर मेरी तो क्वेश्चन है मुझे ये पूछना है कि वर्क परमिट की कोई वीजे खुले हैं यूके में अभी और अगर किसी की शादी हुई है तो वो अपने हस्बैंड को वर्क परमिट पे बुला सकते हैं अगर कि वो स्पाउस पे नहीं बुला सकते या कुछ तो बाद में शादी शो करवा सकते हैं जहाँ पे अगर हस्बैंड आ जाए तो इसका प्लीज जरा तफसील से जवाब दे दें ऑलराइट मैम देखें पहली बात है यस वर्क परमिट पे थोड़ी सी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दी है लेकिन एज लॉन्ग एज आप इमिग्रेशन कानून को फुलफ़िल करें देर इज़ नो रीज़न कि आपको वर्क परमिट इशू नहीं होगा हैविंग सेड दैट मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी वर्क परमिट इतने मुश्किल क्यों हो गए तो उसका जवाब ये है कि वर्क परमिट मुश्किल हो गए हैं मार्केट लेबर टेस्ट की वजह से क्योंकि अब होम ऑफिस ने थोड़ा सा बेहतर कर दिया अपने इमिग्रेशन कवानीन के अंदर इस सिस्टम को और उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी को यहाँ वर्क परमिट पर रखना चाहते हैं तो उन्होंने हर जॉब के साथ एक लिस्ट दे दी है मेनली एक समराइज लिस्ट है जिसमें उन्होंने कहा नेशनल न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल और वेरियस जगह पे आपने एडवर्टाइज़ करना है जॉब को और जब आपको उसमें वैकेंसी आए तो आपने ये बताना है कि क्यों ये लोग क्वालिफाई नहीं करते जो ब्रिटिश नेशनल हैं या यूरोपियन नेशनल हैं यहाँ के रेजिडेंट हैं इस जॉब के लिए तो मसला ये आ जाता है कि जहाँ भी आपको मार्केट लेबर टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है देखने में आया है कि इट्स बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी आउटसाइड कैंडिडेट को इशू कर सकें सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस यानी कि कॉस
तो इसका मतलब यही हो जाता है कि क्योंकि आपके हस्बैंड या कोई भी एप्लीकेंट जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अचीव करना वर्क परमिट अनलेस वो 1.5 लाख की पे के ऊपर है, यानी कि मार्केट लेबर टेस्ट उन पर अप्लाई नहीं होता। तो ये वो बात है। तो अगर जिस पर भी मार्केट टेस्ट लेबर अप्लाई होता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको इस कंट्री में आना या यहीं से वीज़ा भी लेना, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जेम्पशन है या नहीं। फिर आपने बोला कि अगर उनका वर्क परमिट, तो वही बात होगी ना, वर्क परमिट का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। और अगर आप 18,600 नहीं कमा रही तो आप स्ट्रांगली एडवाइस के सब्र के साथ आप पहले कहीं जॉब करें, 6 मंथ्स वेट करें, आप जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट कर लेंगी फिर आराम से अपने हस्बैंड को बुला लें। बिकॉज देखिए मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा कानून को फॉलो करें। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कहती हैं जी ह्यूमन राइट की अगर कोई कहता है आपको एप्लीकेशन, या आप बोलती हैं कहीं से सुन के डालें, हाईली लाइकली अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो जो अपील आएगी वो 1 साल के बाद आएगी। बिकॉज इस वक्त एंट्री क्लियरेंस केसेस पे अपील्स आर टेकिंग 1 ईयर। तो उससे बेहतर है अगर आपने जॉब शुरू कर लें और अगर आपकी इनकम 18,600 हो जाए तो 6 महीने बाद यू बी एलिजिबल अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए। और अगर खुदा ना खास्ता कोई पर्सनल सर्कमस्टांसिस हैं जिनकी वजह से आप नौकरी नहीं कर सकती, देन आई स्ट्रांगली वुड रिकमेंड कि आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएँ, अपना केस डिस्कस करें सो दे कैन गाइड यू टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फारूक, मिसेस फारूक बात कर रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वो ये कि मैं यहाँ पर स्पाउस वीजा पर आई हूँ और स्पाउस वीजा पर जो हम IHS पे करते हैं उसके मुताबिक मुझे आपसे ये पूछना था कि जब डॉक्टर हमें जो प्रेस्क्राइब करता है तो क्या वो मेडिसिन के लिए मुझे पे करना चाहिए? थैंक यू मैम। नॉर्मली ये होता है मैम कि डिपेंडिंग ऑन, मुझे इतना उनका NHS के रूल्स उस सेंस में तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा ये होता है कि आपको एक सर्टन सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी पड़ती है अनलेस यू ऑन लो इनकम। तो अगर आपके हस्बैंड ने आपके वक्त 18,600 अपनी इनकम शो की होगी आपको बुलाने में, और आई डोंट नो अभी उनकी इनकम क्या है क्योंकि वो जो सर्जरी वाले वो आपसे पूछते हैं कि आर यू अ लो इनकम हाउस होल्ड में तो नहीं आप रहती, तो उनको थोड़ी सी एग्जेम्पशन है, वरना सारे एक सर्टन फिक्स्ड कॉस्ट देते हैं अपनी मेडिकेशन के लिए जो सारे ब्रिटिश नेशनल्स यहाँ देते हैं, बिकॉज बाकी सारा सब्सिडाइज्ड है NHS की तरफ से। तो आपने कोई प्राइवेट ट्रीटमेंट अनलेस आप ले रही हैं वो एक अलग बात है, वरना NHS के थ्रू आप दवाइयाँ उसी तरह लेंगी जो एक ब्रिटिश सिटीज़न लेता है दवाई, और हम लोग भी जो मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो भी एक एक सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करते हैं केमिस्ट को अनलेस आप लो इनकम के अंदर आती हैं। तो आई डोंट नो वो आपके सर्कमस्टेंस के, बट वो सब्सक्रिप्शन फीस नेक्स्ट टू नथिंग आई थिंक पर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, वो मुझे प्लीज़ कोट ना करें, मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट कितनी दी थी, बट 8-9 pounds या 10 pounds अनलेस इट्स गॉन अप। थैंक यू सो मच मैम। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो यस मैम। हाँ जी वकील साहब बात कर रहे हैं। हाँ जी जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी वकील साहब मेरे दो सवाल है। जी मेरे दो सवाल इस तरह है कि मैंने एक तो मेरे दो सवाल है कि मेरे और मेरे बेटे को 3-3 साल का वीजा मिला था दो टाइम। जी तो उसके मैंने पूछना था कि अभी मेरा जैसे अभी वीजा मेरा फिनिश होने वाला, तो मैंने अप्लाई करना अपनी सेटलमेंट के लिए, उस लिए मेरे को कोई टेस्ट पास करना पड़ेगा? अगला सवाल यह है कि अभी उन लोगों ने पहले मेरे हस्बैंड को कोई वीजा नहीं दिया था, तो मेरा हस्बैंड रिपोर्टिंग में एवरी मंथ जाता था ना, तो हमने वैसे केस डाला तो उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को वीजा दे दिया जितना हमारे पास था, 2 महीने का रहता था तो 2 महीने का मेरे हस्बैंड को दे दिया। तो उसका मैंने पूछना कि उसको क्या सेटलमेंट देंगे या आगे उसका वीजा स्टैंड करेंगे? बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच मैम। देखें जहाँ तक आपके वीज़े की बात है, अगर आपको डिस्क्रेशनरी लीव मिली थी तो 3+3 6 साल के बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकती हैं, और आप जब सेटलमेंट अप्लाई करेंगी डिस्क्रेशनरी लीव की बेस पे तो आपको कोई इंग्लिश टेस्ट ना लाइफ इन द UK ना दूसरा वाला टेस्ट देने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपके हस्बैंड की बात आती है, अगेन आपको देखना पड़ेगा कि उनको किस बेसिस पे वीज़ा दिया, लेकिन जो मैं अज्यूम कर सकता हूँ, अगेन मेरी अजम्पशन है, मेरे पास कागजात नहीं, कि उनको शायद फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर दिया है, तो वो 2.5-2.5 साल के वीज़े होते हैं,
और शुरू में उन्होंने उनको शायद 2.5 साल का इसलिए नहीं दिया, उन्होंने इन लाइन आपके साथ वीज़ा दिया है बिकॉज आपके पास उस वक्त सिर्फ दो महीने का वीज़ा रहता था, तो आगे जाके वो अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन। सेटलमेंट वो इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज सेटलमेंट के लिए उनके पास डिस्क्रेशनरी लीव नहीं थी, ना स्पाउस वीज़ा था कि वो सेटलमेंट अप्लाई कर सके, तो उनको ऑन हिज ओन रूट बाद में 2.5 साल का अप्लाई करना पड़ेगा मोस्ट लाइकली फैमिली पे। बट कहने का मतलब ये है कि इस वक्त वो सेटलमेंट नहीं एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैंने अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई किया, मैं एज अ केयरर काम कर रही हूँ और मेरी वेजेस जो है, मैं दो जगह पे जॉब करती हूँ और वो तकरीबन 24,000 pounds से ऊपर है। इस वक्त भी मैं एक जगह पार्ट टाइम हूँ और एक जगह फुल टाइम हूँ, तो मेरी मोर देन 22,000 अ ईयर है और मैंने अप्लाई किया था तकरीबन, अब तो साल होने वाला है, पिछले साल अपील में चला गया था मेरा केस। हालांकि मेरी पे स्लिप्स भी बहुत अच्छी हैं, मेरे पास घर भी है हाउसिंग एसोसिएशन से, मैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हूँ, लेकिन मेरे सोलिसिटर ने शायद मेरा केस अच्छे से एंटर नहीं किया, तो वो अपील में चला गया और उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही बेतुकी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मेरे बैंक अकाउंट पे उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हारा बैंक अकाउंट ही नहीं है, हालांकि वो वहीं पर है। एक HSBC में उन्होंने बोला तुम्हारा अकाउंट है, मेरा वहाँ कोई अकाउंट ही नहीं है। ऐसे यानी सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। तो मुझे ये जो शेफील्ड वालों ने तो कोई आंसर नहीं किया, फिर मैंने अपने सोलिसिटर को चेंज किया और मैंने उनको अपील की, तो अपील में मेरे केस को तकरीबन 5th of May लास्ट ईयर हमने किया था। मुझे काइंडली ये बता दें कि आपको लगता है इन सारी सिचुएशन में हर तरह से मैं उनकी रिक्वायरमेंट से अच्छी हूँ, उनको मैच करती हूँ, कि अब मैंने अपने इवन डॉक्टर का लेटर भेजा है कि प्लीज़ मुझे कोर्ट में जल्दी डेट दें, तो क्योंकि अब मैं स्ट्रेस में भी आ रही हूँ कि मेरी सब चीज़ें ठीक हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो मैं विन कर जाऊँगी, क्योंकि मैं तो हर लिहाज से सब कुछ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने इंग्लिश टेस्ट भी पास किया है, मेडिकल भी करवाया है, सारी चीज़ें हमारी। मैं जवाब दे देता हूँ। थैंक यू सो मच। पहले आई एम वेरी सॉरी कि यू हैड टू गो थ्रू ऑल दिस बिकॉज इट्स स्ट्रेसफुल, बिकॉज अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट स्टेट ट्रिब्यूनल के अंदर इट इज़ टेकिंग ऑलमोस्ट 1 year बिफोर वो केस लिस्ट हो जाए। और मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि जो आपकी अपील है, ये बात याद रखिएगा, वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। अब ये बोलना कि मेरे केस की मैं सारी रिक्वायरमेंट मीट करती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, जब तक मैं केस को पढ़ूंगा नहीं, मैं तो उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज़ यू कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं और उनसे अपने ऑप्शंस की बात करें, बिकॉज एक ऑप्शन तो आपके पास ये भी है कि आप जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है या मैनेजर है, उसको भी जो अपील का बंडल है उसके कॉपी भेज दें, बिकॉज टेक्निकली अपील आने से पहले बाय लॉ उन्होंने रिव्यू करना है केस को, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि केस में जान है आपके, तो दे कैन ओवरटर्न द ओरिजिनल डिसीजन और कोर्ट जाने से पहले ही इशू कर सकते हैं आपके हस्बैंड को वीज़ा। अब क्योंकि मैंने रिफ्यूज़ल लेटर नहीं पढ़ा तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज़ यू कि जो आपकी ऑप्शंस हैं वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिस्कस करें। और एक और बात इससे पहले, क्योंकि हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है, मैं बोल दूं कि खुदा ना खास्ता जब आपका एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है और अगर आपने अपील की है तो आप नई एप्लीकेशन भी बीच में डाल सकते हैं। अब अगेन लोग बिल्कुल मुझे मुड़ के कहते हैं कि तारिक भाई नई एप्लीकेशन इज़ सो कॉस्टली, बिकॉज ऑलमोस्ट आपको पता है 2.5-3 lakh रुपया ले लेते हैं अगर पाकिस्तान में, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आई अंडरस्टैंड, बट वो एक कॉस्ट है। I know certain clients जो pay करते हैं because they don't want to wait for 1 year. तो that's a personal preference. तो ज़रूर जाके advice लें, अपने legal representative से बात करें। Again, मैं I do apologize अगर मैं हर एक की call आज नहीं ले सका, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोगों ने थोड़ा सा show का format भी change किया है कि instead of every week अब मैं fortnightly आके show करता हूँ। तो मैंने अब ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक Wednesday miss कर दूँ और following Wednesday मैं show करूँ, तो उसी तरीके से अब अगला Wednesday miss करूँगा and the following Wednesday we'll do a show. Thank you so much for today. Please drive safely. Allah Hafiz. और इंशाल्लाह आपसे fortnightly के बाद मुलाकात होगी। अल्लाह